अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है शहजाद फैमिली व्लॉग में। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। अगर आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। सो गाइस, आप सभी को 28वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। सो गाइस, हमारी मॉर्निंग वगैरह हो चुकी है एंड अभी भी यहाँ पे अभी कांधे कट रहे हैं ना, फिर आके जरूरी है। सो हमारी मॉर्निंग वगैरह हो गई, बस अभी अफ्तारी बनाने की तैयारी चालू है और यहाँ पर हमारे कांधे कट रहे हैं, इसकी वजह से आग जल रही है। पानी में धोके निकाले फिर भी आग जल रही है। और यहाँ पे आलू भी अम्मी ने काट के रखे हैं। और गाइस, मेरी मेहंदी देख सकते हो आप लोग, माशाल्लाह कलर अभी और चढ़ ही रहा है। मैंने ना रात में बहुत जल्दी निकाल दी थी, मुझे कैसे ना वॉशरूम वगैरह जाने के लिए और ऐसे भी सहरी के टाइम के लिए निकालना ही था, तो मैंने निकाल दी थी जल्दी से। बट फिर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा ही कलर आया है। और यहाँ पे अभी मम्मी कांदा वगैरह काट रहे हैं, अभी मैं बेसन मिलाने जा रही थी, तो मेरी चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारे सब धोए हुए सूखे हुए कपड़े रखे जो धो के सूख चुके हैं, चले फटाफट से बेसन वगैरह मैं मिला लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैंने बेसन वगैरह अम्मी ने मुझे सब डाल के दे दी है एंड अच्छे से मैं इसको मिला के ले रही हूँ। आज कांदे का भजिया और आलू का भजिया बन रहा है। तो इसमें देख सकते हो कांदे में ऑलरेडी बहुत पानी निकलता है, मैंने अभी तक इसमें पानी ऐड भी नहीं किया। अब इसमें बेसन डाले और बेसन कम पड़ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ही बेसन है। तो अभी अम्मी गए हैं दुकान पे बेसन लाने के लिए, तो चले मैं फटाफट से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलूं। सो गाइस, यहाँ पर मेरी अम्मी चल रहे हैं भजिए। अम्मी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो वेलकम हो गए सैजन फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले तो 28वां रोजा मुबारक। और देखिए गाइस, मैं भजी कर रही हूँ मस्त कांदे की, और आलू की तैयारी हो गई, आलू के भजी की। आलू भी फ्राई करूंगी, तैयारी करके रख दी मैंने सब। हाँ, देखिए बेसन वगैरह सब लगा के रखी हूँ, अभी इसे फ्राई करना है गाइस। बहुत मतलब टाइम होने वाला है, अभी 6 बज गए है। चलो फटाफट फ्रूट भी काटिए। यहाँ पे जा रही हूँ फ्रूट्स काटने के लिए। यहाँ पे टैंक इतनी शक्कर बस हो गई, कितने चम्मच है ये? 6 ना। तो मैं अभी जा रही हूँ फ्रूट काटने के लिए। इसमें खजूर, खजूर हमने जो अंधेरी से लेकर आए थे ना, वो वाला डब्बा कल ही खत्म हो गया। अब तभी हमने दुकान से 10 रुपए का लेकर आए है। तो चले फटाफट से मैं फ्रूट्स वगैरह काट लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, कांदे के और आलू के भजिए बन चुके हैं एंड हम सब बैठ चुके हैं अफ्तारी करने के लिए। यहाँ पर सुहान बैठे हैं, अब्बा भी आ चुके हैं काम पर से, यहाँ अम्मी बैठे और यहाँ पे बैठा है माही, है ना अम्मी? आज रोजा रखने के लिए आया, रोजा खोलने नहीं, रखने आया। मतलब मैं तुम कहते रोजा रखने के लिए आया, मेरा ठीक है मैं रोजा रख, है ना? रोजा रखेगा ना मम्मा, लात नहीं मारेगा, मांडी मारो गंदी बात। क्यों आया तू इधर? रोजा रखने आया। कौन बुलाया तेरे को? मैं तो रोजा रखने नहीं, रोजा खोलना है। और यहाँ पे अब्बा भी आ चुके हैं। मैं तो नहीं बुलाया, अब्बा जस्ट आए। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, बस जस्ट अभी आया, भाग भाग के आया मैं। जस्ट आया मुंह हाथ धो के, तभी फोन नहीं उठाया था मैंने, फोन लगाई थी तुम कॉल किए जब मैं वो बेसन मिला रही थी। तो मैं ट्रेन में था जब। अच्छा, तो चले अब्बा भी आ चुके हैं, हम सब बैठ चुके हैं। बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, गर्मी तो बहुत है गाइस, फट्टे बहुत गर्मी है कि नहीं? चलो फिर ए माही, सीधे से बैठो, अच्छी बात नहीं, गंदी बात, अच्छे से बैठो। सही से बैठ रहा नहीं है ना, उसको उसके अम्मी उसकी दादी बुलाने आए, जा रहा नहीं, बोले मैं इधर रोजा रखूंगा, बोलूंगा नहीं रखूंगा। अरे बाप रे, इसके बाल देखो ना कैसे कटा दिए, देखो यहाँ पे ना, ये यहाँ पे बाल, इसने बाल कटाया ना, तेरे बाल अच्छे नहीं काटा उसने बराबर। अरे 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 अरे, देखो उसको कैसे कर रहा है, दाढ़ी बनाने। कौन सी गाड़ी? अरे दाढ़ी बनाने जा रहे, दाढ़ी दाढ़ी, तू बड़ा गया तो कदम मुच्छी आएगी, दाढ़ी आएगी, दाढ़ी बनाएगा। बंगाली मच्छी बात हम अगर कर लेते हैं, बस 5 मिनट कितना मिनट बाकी अम्मी, कहाँ है मोबाइल का? ए टाइम बता, 56 का हो गया, कितना हो गया? 55 हो गया, 3-4 मिनट बाकी है यार। ऊपर बहुत ठंडी लगती है यार, तो अच्छी बात है ना, नीचे मुझे गर्म होता है, मैं नीचे आके सोती हूँ। गर्म कंबल भी तो दिए ना ओढ़ने के लिए तुमको, गर्मी हो तो तकलीफ, ठंडी हो तो भी तकलीफ। थोड़ा स्लो करना, नहीं नहीं, रहन दो रहन दो रहन दो, बहुत ठंडी लगती है। बस कल का एक दिन ही, कल परसों नीचे सो जाना। हाँ, ये ज्यादा दिन नहीं है, अभी आज शाम में पता चलने वाला है गाइस, चांद के ऊपर डिपेंड है,
ये क्या है कल की? हाँ पता चलने वाला, आज मालूम पड़ने वाला सऊदी वगैरह में, अभी आज मालूम पड़ेगा क्यों, क्योंकि आज दुबई में 29वां रोजा है, अपना 28 है ना तो उधर 29 है, तो अब आज शाम में पता चलेगा कि अगर उन लोग, हाँ तो उधर ईद हो सकती है या कल उधर चांद रात हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, कल का लास्ट रोजा भी हो सकता है या परसों का भी लास्ट रोजा हो सकता है, ऐसा है। सही बोली मम्मी, 11 तारीख को ये दुआ मांग रहा है, अरे मेरा बच्चा दुआ मांग रहा है, दुआ मांगो, अल्लाह अल्लाह मांगो, अच्छे से हंसते हैं। गाइस चांद के ऊपर डिपेंड है, ईद कब होती है, अजान हो चुका है, चलो अफ्तारी कर लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी हो गई, अफ्तारी कर ली, नमाज वगैरह भी सब पढ़ चुके हैं, बस अभी हम रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं हम लोग आज अंधेरी। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम गए थे तो सिर्फ मेरे और सुहान के कपड़े आए थे और थोड़ा बहुत सामान आया था, तो अभी अम्मी का भी कुछ सामान बाकी है तो वही सब लाने जा रहे हैं। अम्मी का ड्रेस तो हमने गाइस ऑनलाइन ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, तो वो आने वाला है कल, तो वो आप लोग को मिलेगा कल के ब्लॉग में। सो जो ड्रेस हमने ऑर्डर किया उस हिसाब से अम्मी को थोड़ा एक जोड़ी कान का लेना है, एंड मुझे मुझे चूड़ी सोची हूँ मैंने, या जो भी मुझे कंगन टाइप होता है ना वैसे, अगर ब्रेसलेट टाइप में अगर कुछ अच्छा सा मिला तो मैं वो, मुझे वो लेना है, एंड सुहान को भी एक शर्ट लेना है, उसको भी अम्मी जूता लेने का बोल रहे हैं। सो तीन चार चीज़ें कुछ मतलब बाकी है, और प्लस शिरखुरमे का सामान तो वो भी ले रहे हैं हमें, तो इस वजह से हम आज जा रहे हैं। हम लोग बोले कि फटाफट से आज पूरा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद अम्मी को भी मेहंदी लगाने का रहेगा, तो यहाँ पे है अम्मी। चलो चलो गाइस हमारा तो इफ्तारी हो गई है, नमाज वमाज पढ़ ली है, ऊपर से चावल पका ली, खाना भी हो गया बन के, अभी जा रहे हैं बस अंधेरी अंधेरी आज निपटा के आ रही थी, कल से कहीं जाना आना नहीं रहेगा क्योंकि गर्दी इतनी हो जाएगी, इतनी गर्दी हो जाएगी कि जाने को बिल्कुल जगह नहीं होगी ना, पैर रखने के लिए अभी भी जगह नहीं होगी, तो आज ही सब सामान जो भी रहेगा छोटा मोटा इन लोग का ही बाकी है, चुल्डर पुल्डर लेके आ जाएगी, बहुत टेंशन रहता है बच्चों लोग का, ये नहीं अम्मी, अम्मी ये नहीं अम्मी, वो सब लेके आती। मेरा बेटा कल से रो रहा है, जूता 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 कर रहा है, तो उसको भी ले रही ले लेती हूँ मेरा। सो चलेगा इस फिर फटाफट से चलते हैं, जो भी थोड़ी बहुत चीजें हमारी बाकी है वो लेकर आ जाते हैं, और हम लोग आज ही शिरखुरमे का सब सामान लेकर आ जाएंगे, तो अफ्तारी वगैरह कर लिए, तो खाना तो अभी कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ बघार के वहाँ पर अम्मी ने सिर्फ बघार के चावल बनाए हैं, एंड हम लोग लेकर आएंगे सालन, तो जहाँ लक्की होटल से, तो हम लोग सालन लेकर आएंगे, अम्मी ने चावल भी बना दिए, और अभी बज रहे हैं 8:30, हम लोग को आते आते ही 10 तो बजता ही है, सो इस वजह से खाना भी हम लोग मतलब बाहर से लेकर आएंगे सालन। सो चलिए फटाफट निकलते हैं, देखते हैं कितनी गर्दी हो गई होगी, क्या हो गई होगी, है ना मम्मी? हाँ चलिए गाइस जाके आते हैं, जरा सेवे का सामान वामान लेके आते हैं। हम निकल चुके हैं, रिक्शा में बैठ गए, एंड रिक्शा के अंदर बोल रहे हैं अंधेरी के साइड बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अब देखते हैं ना मम्मी, रमजान का महीना तो रहेगी, हाँ गर्दी तो मिलेगी, तो चले कोई बात नहीं, सुबह चलते हैं देखते हैं। अंधेरी पहुँच चुके हैं, अब जा रहे हैं अंदर, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक थी तो इस वजह से हम पहले ही उतर गए ना मम्मी, तो अब वहाँ तक के अंदर जा रहे चल के, बहुत गर्दी है, तो चले फटाफट अंदर, वहाँ पे जाना है अंदर। गाइस सुहान का यहाँ पर देख रहे हैं अम्मी शर्ट, हमें बाहर ही दुकान दिख गई यहाँ पे, सुहान अच्छा कलर देख के ले भाई। एंड गाइस काफी ज्यादा गर्दी है, बहुत क्राउड है, कौन सा लेगा, कौन सा कलर, कौन सा चाहिए देखो, ब्लू जींस है ना, हाँ उसकी डार्क ब्लू जींस है, देख अच्छा सा कोई कलर, लाइट मत दे, थोड़ा डार्क कलर देख के ही ले, अच्छा लगेगा, देख और कलर, ये देख, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी प्यारा लग रहा है, ये देख यहाँ पे भी है ना, ये वाला भी देख, ये देखे, चलो चलो देखते फिर भी आगे देख लेते ना, हाँ हाँ चल आगे देख ले, दूसरी शॉप पे सुहान अब यहाँ पे शर्ट सिलेक्ट कर रहा है, अब देखते हैं उसको कौन सा पसंद आता है, उसके साइज का तो ये वाला भी अच्छा लग रहा है, चॉकलेटी वाला ना, हाँ अब देखो उसको कौन सा पसंद आता है, वरना रोएगा, वही इसलिए उसकी पसंद का ही लेंगे ना, तो फिर घर पे जाके किरकिरी करेगा बहुत, चोरी आके 10 मिनट नहीं हुआ है, एंड हमारी हालत हो चुकी है खराब, पूरा पसीना पसीना हो गया, अच्छा है कि अभी तक हम अंदर नहीं गए पूरा मार्केट में, अभी फिलहाल हम लोग बाहर ही है, सभी तीसरी दुकान पे आया है, ये देखते अभी यहाँ पे ये क्या पसंद है, देख रहा है अब तो पसंद करिए, एक ऐसे ही भटकाएगा ये और कुछ नहीं, वो वाला शर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था बट उसने लिया नहीं, तुझे चाहिए कैसा है, देख ऐसे में था ये जो है ना, हाँ वैसे ही था उधर पे भी, मम्मी ले रहे हैं काजू बादाम, सुहान का शर्ट भी ले लिए हम लोगों ने, दीदी
ले लो, दो दो पैकेट ले लो। क्यों? काजू कम दे रहे। काजू कम दे रहे? तू लाएगा फिर बाद में। काजू 20 के 8 है, 5-5 की दो पैकेट लेकर तो 10 आते। अच्छा सही है। सभी सेवाई सिर्फ सेवाई लेना बाकी है और हम लोगों का थोड़ा बहुत सामान। तेरा हो गया ना बेटा? जूता बाकी है इसका। माशाल्लाह मस्जिद गली देख सकते हो आप लोग, कितनी प्यारी सजी है, पूरी लाइटिंग लगी है, बहुत मस्त दिख रहा है माशाल्लाह। अम्मी ले रहे हैं सेवाई। अम्मी व्हाइट वाली ले लिए, ले लिए। लाइट देखो गाइस, अम्मी ले रहे हैं खिचड़ा पार्सल हमें खाने के लिए। पार्सल ले रहे ना? पार्सल 50 रुपए का डब्बा, एक ही डब्बा लेके। कितनी प्लेट क्या है देखो इसको। हाँ 1 किलो। लकी रेस्टोरेंट में अभी पानी वगैरह पी के बैठे हैं एंड अम्मी गए सालन का ऑर्डर देने के लिए। मैं बोली यहाँ से सालन ले लेते फिर वो साइड चले जाएंगे, वरना डबल डबल हमारा राउंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमारी हालत सबकी, क्या हमारी नहीं सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, इतनी गर्दी है। तो चले सालन ले लेंगे, उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे, सुहान का जूता लेंगे और थोड़ा बहुत सामान है वो भी ले लेते हैं। तो गाइस हम लोगों ने सारा सामान ले लिए, सारी चीज़ें हमने ले चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो घर पे पहुँचते फिर आप लोग को दिखाते कि हम लोगों ने क्या क्या लिए और बहुत हालत ख़राब हो गई। बस ऐसा था कि कब वहाँ से निकले है ना अम्मी, नींद आ रही ना, वाट लग गई एकदम, लंबा हो जाएगा ना। अभी खाना पीना खा के बस सोना ही है। चलो चलते घर पे, फिर मैं आप लोग को सारी चीज़ें दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिए। सो गाइस हम आ चुके हैं घर पे एंड हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो हम लोग घर पे आए, खाना वगैरह खाया, बिस्तर लगाया, अब सोने के लिए जा रहे थे। मिली चलो व्लॉग एंड कर देती हूँ वरना व्लॉग ऐसे ही रह जाएगा। एंड यहाँ पर मम्मी बैठे हैं कपड़े घड़ी करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी पोटली थी घड़ी करने की। मेरे 2 दिन के कपड़े घड़ी करने के थे, तो मैं बोली आके आराम से घड़ी कौन से करेंगे, तो मैं घड़ी करके रख रही हूँ। यस सो मिली चलो आप लोग को सारी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ हमने क्या क्या लेके आए। तो वह सबसे पहला तो आप लोगों ने देखे होगा उस दिन सुहान ने लिया था ब्लू कलर की जीन्स, तो उसके ऊपर लिया है इसने ये वाला शर्ट जो कि उसको हो चुका है छोटा। अपन ने मना किए थे, मना करने के बाद भी उसने ये लिया शर्ट, उसको हो गया टाइट। अभी कल वापस जाके मुझे वापस करना एक्सचेंज करवा के लेकर आएगा। अब मुझे तो ये शर्ट मैंने मना की थी उसको, लेकिन सुना नहीं, अब उसकी पसंद है, वो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो सुहान ने लिया एक शर्ट एंड ये रहा लिया उसने उसके लिए जूता, कहाँ गया लिया उसने अपने लिए दोनों जूता, सब उसी की पसंद है। हाँ गाइस और कुछ नहीं। एंड हम लोगों ने लिए है ये क्या है इसके अंदर, हाँ सिरखुरमे की लम्बी ने लिए है। ये ट्रे नहीं थी हमारे पास जो पहले थी, बहुत पहले जब ग्रीन वाली पता जब ब्लॉगिंग भी नहीं करते थे अपन, तो वो टूट गई। तो ये एक अम्मी ने ट्रे ली है और ये कटोरी का सेट, ये कितनी है इसमें अम्मी, 6 कटोरी है प्लास्टिक की है, बोले ले लेती हूँ मुझे काम आएगी। एंड और कुछ में है पूरे सिरखुरमे का सामान है इसके अंदर जो भी है ना, क्या क्या लम्बी सब हो गया ना सिरखुरमे का भी। सेवई सब मतलब इसके अंदर आ गया है। ये रहा इसके अंदर है, बारीक वाली ये रही सेवई, भुनी हुई सेवई है, अच्छा भुनने की जरूरत नहीं होती, भुनी नहीं होती मेरे से अच्छी मत। और यहाँ पे अगर बनाएंगे ना सिरखुरमा तो बारीक वाली की बारीक सेवई अच्छी होती है। और इसमें सारे बादाम काजू पिस्ता ये सब सारे मसाले हैं। और इसमें रहा हमारा, अम्मी ने लिए अपने ड्रेस के ऊपर के लिए कान का, तो अम्मी का ड्रेस आने वाला है कल, तो उसका व्लॉग मैंने जैसे आप लोगों को बताई वो कल पता चलेगा, तो ड्रेस भी क्या आएगा। सो उसके ऊपर अम्मी ने लिए झुमका, बाकी तो मेरी अम्मी यही पहनते सोने का, उन्होंने बोले ऐसे टेम्पररी ले लूँगी वो भी, वो बोले मैं पहनी तो पहनी वरना तू पहन लेना, हम दोनों को काम आ जाएगा। तो ये रहा वाइट कलर का झुमका। और मैंने तो उस दिन सब ले ली थी, सिर्फ मैंने कड़े मतलब थोड़ी थोड़ी सी ना बंगली जैसी लेना भूल गई थी, तो मैंने मेरे लिए खाली इतना सा ली हूँ। ये कड़े हैं दो, उसमें चूड़ी है, क्योंकि मेरी अस्थि नहीं गाइस पूरी यहाँ तक का है, तो मैं पहले इतना खाली अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से मैंने ये वाला बंगली कड़ा ली। तो कैसा लग रहा प्लीज़ कॉमेंट बताना। तो बस इतना ही हम लाने गए थे, तो हमारी सारी शॉपिंग फाइनली डन नहीं हुई है, अभी कपड़े बाकी है अब्बा का अम्मी का, तो वो आएगा कल, तो आप लोग देखना जरूर कल के भी ब्लॉग में। तो कल जाके हमारी शॉपिंग खत्म हो जाएगी है ना। हाँ अभी कल वापस जाना पड़ेगा मुझे अंधेरी, इसका शर्ट वापस करना पड़ेगा।
अगर कभी कल चांद रात नहीं रही जैसे भी रहेगा मुझे कचरा भी लाना पड़ेगा वो तो अभी अम्मी लोग ही जाएगा वापस नमाज लगाने पड़ेगा। मेरी पैसे पट्टी नहीं मिली मुझे इतनी अंदर जाने ही नहीं मिला क्या अंदर घुसने को ही नहीं मिल रहा था छोड़ जाने थे बाबा बहुत गर्दी थी अंधेरी में अब पट्टी में दिख भी नहीं रही थी कहीं पट्टी अंदर मिलती है अंदर और हम लोग अंदर गए सच में नहीं गए हम लोग मस्जिद गली के साइड ही हम लोग पूरा घूम रहे थे मतलब है ना चलने की जरूरत ही नहीं अपने आप धक्के से हम लोग बाहर आ गए थे तो जोर जोर से लगाया ना धक्के तो बहुत थक गए इसलिए ना ईद की तैयारी पहले से ही करके रख लेना चाहिए। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने कपड़े हमें पहले ले लिए थे तब इतनी गर्दी नहीं थी बट आज तो बाप रे बहुत गर्दी थी। तो चलिए फिर सारा सामान हमारा आ चुका है तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे। बोलना है कुछ नहीं बोला गाइस बहुत थक गई अब बिस्तर चाहिए सुबह की सैरी में उठना पड़ता है ना। तो आज इतना ही सामान लाने गए थे फिर भी हम लोगों को 10:15 हो गए ना जल्दी मतलब कुछ सामान तो था नहीं लेकिन मेरे बेटे ने इतना घुमा डाला था घुमाता है उसके साथ जाना पड़ा तो सर पे हाथ रखने कम से कम चार चौथी दुकान पे उसने शर्ट लिया शर्ट लिया भी तो देखो एकदम छोटा उठा के लेके छोटा उसके पेट के पास टाइट हो रहा है उसको इतने अच्छे से शर्ट दिखा रहे हम लोग उसको वो शर्ट नहीं पसंद आ रहा है वो भी ड्रेस बहुत प्यारे हैं जो हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए तो आप लोग देखेंगे ना कल कल मैं शर्ट बदली करके लेके आऊंगी तो भी दिखाऊंगी और अब्बा का भी कल इसके आने वाला है वो भी दिखाऊंगी अम्मी का अब्बा का मतलब साथ में आएगा क्योंकि मैंने एक ही दिन पे ऑर्डर किया अच्छे अच्छे ड्रेस भी हल्के कॉटन के बहुत अच्छे अच्छे तो चले गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल घंटी बटन दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ बाय बाय। लेट मी अप विद अ ब्राइट स्माइल ऑन नाउ मी इन द डार्क सो वोंट गेट लॉस्ट नाउ टू द मूनलाइट आई सी यू आर रियल राइट नाउ।